हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज फॉर यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स, आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज़ हो चुकी है वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो सीट मैट्रिक्स है उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको सीट मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीज़ें वो देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपका जो ऑप्शन फॉर्म है कैप राउंड 1 का, उसकी जो टाइमिंग है वो अभी क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुकी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको जो ऑप्शन फॉर्म कैप्राउन है उसको आप कैसे भरना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ऑल्सो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना, ताकि मैं जैसी ही वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी इस वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है। आपको रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन के नीचे देखने को मिल रहा होगा प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1 फॉर एकेडमिक ईयर 2021 और 22। सो फ्रेंड्स, आपकी जो प्रोविजनल मेरिट सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज़ हो चुकी है, वो भी कैटेगरी वाइज। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आपकी एक पीडीएफ जो है वो बैकग्राउंड में डाउनलोड होंगी। जैसे ही डाउनलोड होती है तो फ्रेंड्स आपके सामने आपकी जो प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स है वो आपके सामने डाउनलोड होकर ओपन हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें वो देखने को मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही ये डाउनलोड होता है तो फ्रेंड्स आपको अपने पीडीएफ व्यूअर में उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट कॉमन एंट्रेंस स्टेस सेल मुंबई, इसकी तरफ से जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज़ हो चुकी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेटरल एंट्री सीट जो है वो देखने को मिल रही है, मतलब 10% सीट ऐसा कुछ रहती है रिजर्वेशन के हिसाब से, मतलब कितना रिजर्वेशन, कौन सी कास्ट को कितना कितना रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको कौन कौन सी कास्ट के लिए कितना कितना रिजर्वेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वेकेंट सीट्स देखने को मिलेंगी। ऐसा हो सकता है कि इसमें बताया कि जो आपका जो प्रीवियस ईयर में जो कैपराउंड हुआ था, तो फ्रेंड्स उसके कैपराउंड के बाद जो भी सीट्स बची है तो फ्रेंड्स उसका भी यहाँ पर जो है वो डाटा दिया हुआ है, मतलब कितनी कितनी सीट्स कितनी बची हुई है वो भी यहाँ पर जो डाटा है वो दिया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर लीजेंट्स करके दिया हुआ, मतलब आपको इसमें बताया गया है कि जो EWS है वो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन है, प्लस PWD के बारे में बताया गया है, DF डिफेंस के लिए, G जनरल के लिए, L लेडीज़ के लिए, और FEN ओनली फीमेल्स के लिए, ऐसा इसमें बताया है। मतलब ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ पर आऊँगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि आपको सीट मैट्रिक्स कैसे चेक करनी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कॉलेज का नाम देखने को मिल रहा होगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। यहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग का, फिर यहाँ पर आपको उसका चॉइस कोड देखने को मिलेगा, और सबसे पहले आपको उसका इंस्टीट्यूट नेम और इंस्टीट्यूट का कोड आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले। फिर आपको यहाँ पर अपना उसका जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, ऑटोनोमस है तो ऑटोनोमस, ऐसा आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको नॉन माइनॉरिटी सीट्स, माइनॉरिटी सीट्स ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद आपका ओपन SC ST VJ NTB NTC NTD और OBC आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद आप थोड़ा नीचे होंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर GL करके जो देखने को मिल रहा है ना, तो फ्रेंड्स ये जो है वो जनरल ओपन के लिए है, और उसके बाद वाला जो है वो जनरल लेडीज़ के लिए, मतलब कुछ कॉलेजेस में जो सीट्स है वो सिर्फ लेडीज़ के लिए ही रिजर्व रहती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा इसमें बताया गया है। और फ्रेंड्स इसमें लेटरल एंट्री की जो सीट्स है वो 6 जो है वो अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। PWD के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है, डिफेंस के लिए भी कोई सीट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसमें EWS के लिए एक सीट्स आपको देखने को मिल रही होंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS के लिए आपको एक सीट जो है वो देखने को मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको जो है वो अपनी सीट मैट्रिक्स चेक करना है। वैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए भी रखा गया है, सेम सीट मैट्रिक्स जो है वो रखी गई है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आना है अपने PDF व्यूअर में, यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन में फाइंड के ऑप्शन पर चले जाना है, यहाँ पर अपना चॉइस कोड डाल देना या कॉलेज का नाम डाल देना, आपके सामने उस कॉलेज की सीट मैट्रिक्स जो है वो ओपन होकर आ जाएंगे। फिर आप अपने कास्ट के हिसाब से आपको जैसा भी चेक करना है आप वैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी जो सीट मैट्रिक्स है वो कैसे चेक करनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी जो सीट मैट्रिक्स है वो चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना जो कैप राउंड 1 का फॉर्म है उसे आप कैसे भर सकते हैं, कैसे आपको भरना है। मतलब वर्चुअली तो मेरे पास अभी किसी की ID पासवर्ड नहीं, अगर रहता तो फ्रेंड्स मैं आपको लॉगिन करके बता देता कि कैसे आपको अपना कैप राउंड 1 भरना है, क्या चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलने वाली है वो भी मैं आपको उसमें बता देता था। सो फ्रेंड्स, आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको अपना जो कैप राउंड 1 है उसको आपको कैसे भरना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका जो कैप राउंड 1 है वो शुरू होगा, वैसे ही उसमें बताया गया कि जो आपकी कैप राउंड 1 की जो डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 विल स्टार्ट आफ्टर 2 PM, मतलब आपकी जो पहले ये 12 बजे का था अब इसे बढ़ाकर 2 बजे तक कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, एक बार
टैप कर कर देखते हैं कि वेबसाइट सही में चालू हुई है कि नहीं, आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना शुरू हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो वापस रीलोड हो गया। ऐसा हो सकता है कि इसमें ये भी होगा कि आप अपना जो आईडी पासवर्ड है, यहाँ पर रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन में जाना, अपना आईडी पासवर्ड डालना और आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगा फिल ऑप्शन वन फॉर कैप्रॉन वन। मतलब अगर आपको ये देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स आपका जो कैप्रॉन वन का ऑप्शन फॉर्म है वो शुरू हो गया है। सो फ्रेंड्स उसमें सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह अच्छे तरीके से चेक करना, आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस होना वो सिलेक्ट करना, उसको अपने प्रीफरेंस वाइज अरेंज करना, अच्छे तरीके से कॉलेज अरेंज करना, यही सबसे मेन स्टेप होता है। अगर आपने इसमें मार्क आ गए तो फ्रेंड्स आपका जो ग्राउंड है वो वेस्ट भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स ये सारी बातें जो है वो आपको कैप्रॉन वन के फॉर्म भरने के दौरान आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको जो फॉर्म है वो अच्छे तरीके से भर जाए। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह तो आप मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर पूछ सकते हैं, मैं आपको दोनों जगह अच्छे तरीके से रिप्लाई कर दूंगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।